कहते हैं जैसे को तैसा, वही वाला हाल कर दिया है भारत ने इस वक्त चाइना का। भारत को चाइना ने कोको दिया तो बदले में भारत ने चाइना को कोकोस दे दिया है। जानेंगे भारत ने किस तरीके से चाइना के गर्दन को एकदम से दबाना शुरू कर दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। भारत का ये मूव एकदम से हैरान कर देने वाला है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। म्यांमार हमारा पड़ोसी है और एक समय चाइना एक ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर आता है जिसको दिखलाता है कि देखो हम तुम्हारी भलाई के लिए इस प्रोजेक्ट को लेकर आ रहे हैं, तुम इससे बहुत सारा माल कमाओगे। जिस प्रोजेक्ट का नाम था BRI। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस मैप के जरिए BRI की पूरी संरचना बनाई गई। कहा गया कि दो तरह के यहाँ पर आने जाने के यातायात के रास्ते बनाए जाएंगे। एक होगा मैरीटाइम सिल्क रोड जो कि पानी से होगा और दूसरा होगा सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो कि जमीन से जमीन को जोड़ेगा। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर व्यापार चलेगा, व्यवसाय चलेगा, सब कुछ बढ़िया लगा। लेकिन जब इसे ध्यान से देखिएगा तो चाइना एक तरीके से इस पूरे इलाके को घेर रहा है और खास तौर पर भारत को घेर रहा है, भारत के लिए टेंशन खड़ी कर रहा है। ऊपर जमीन के रास्ते से भी भारत को घेर रहा है और नीचे पानी के रास्ते से भी। इस BRI परियोजना को लेकर म्यांमार तक पहुंचता है चाइना और म्यांमार को ये कहता है कि देखो हम ऐसा करते हैं ना, चाइना से लेकर तुम्हारे इलाके तक हम नैपी डाओ से लेकर कुमिंग तक एक पाइपलाइन बिछाते हैं और जो डीप वाटर पोर्ट से जुड़ेगा। स्क्रीन पर इस मैप को देख सकते हैं आप। यहाँ पर कहा गया कि हम ये ऑयल पाइपलाइन बनाएंगे, सब कुछ अच्छा है। अब जब भारत के अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तब रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस ने उस वक्त अचानक से आवाज उठाई और कहने लगे कि देखो यहाँ म्यांमार के पास में जो कोको आइलैंड है उस कोको आइलैंड में चाइना अपना बेस बना रहा है। तब म्यांमार ने कहा था नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बाद में गवर्नमेंट बदल गई और किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर आई नई सरकार। नई सरकार ने हाल फिलहाल में भी इस बात को उछाला और कहा कि देखो यहाँ मिलिट्री बेस बन रहे हैं। तो म्यांमार में तख्तापलट हो चुका था। कहा जाता है कि आंसू जो पुरानी शासक थी वो चाइना के हिसाब से काम नहीं कर रही थी और ये चाइना को पसंद नहीं आ रहा था, तो चाइना ने वहाँ तख्ता पलट करने में भरपूर मदद की। और अब जो सेना प्रमुख है, सेना प्रमुख के साथ तालमेल बहुत अच्छी बनती है। कोको आइलैंड में इन्होंने विस्तार करना शुरू कर दिया। कहा गया कि यहाँ रनवे को बड़ा किया गया और इसे लगातार विस्तार दिया जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को, जिस वीडियो में साफ दिख रहा है, नज़दीक जाएंगे तो ये बड़ा सा हमें रनवे दिख रहा है और ये भारत के करीब है। भारत के करीब होने से चाइना को बहुत ज़्यादा फायदा है। बे ऑफ बंगाल में भारत बहुत सारी मिसाइलों का परीक्षण करता है, यानी बड़े आराम से यहाँ से नज़र रख सकता है चाइना। ऊपर से कभी अगर भविष्य में भारत के खिलाफ इसे बेस के रूप में इस्तेमाल करना हो तो उसे भी कर सकता है। भारत सरकार ने इस मुद्दे को उठाया तो म्यांमार की तरफ से जवाब आया कि जी नहीं, हम अपना रनवे बढ़ा कर रहे हैं, चाइना का इसमें कोई हाथ नहीं है। अब म्यांमार की जो अभी की सरकार है, जिसे जुंता की सरकार कहा जाता है, मतलब सेना की सरकार, इस सरकार के पास इस वक्त पैसे नहीं है और चाइना ने करीब $4 बिलियन दिया है। $4 बिलियन एक बड़ी रकम है, तो ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि सेना प्रमुख वही बोलेंगे जो चाइना चाहेगा। तो फिर क्या करे भारत? भारत हाथ में हाथ धर कर तो नहीं बैठ सकता है, कुछ तो करना होगा, इसका उपाय निकालना होगा। एकदम भारत के नजदीक आकर बैठ गया चाइना और एकदम से नाको तले आकर खड़ा हो गया। भारत ने इसका उपाय निकाला, एक जबरदस्त झटका दे दिया है। एक ऐसी जगह अब भारत के सर्विलांस प्लेन उतर रहे हैं और C-130 उतर रहा है, जिसे देखकर टेंशन में आ गया है चाइना, क्योंकि भारत इस जगह से चाइना की निगरानी नहीं बल्कि चाइना के सारे रास्ते बंद कर सकता है।
एक तो हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार में हमारे द्वीप जो एकदम तैरने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह खड़े हैं, यहाँ पर हम बड़े आराम से मलक्का स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं और चाइना के व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन स्क्रीन पर आप देखिए, चाइना जब व्यापार करता है ना, तो कुछ और भी रास्ते हैं, जैसे कि ये जो लाल लाइनें हैं ये बता रही हैं कभी इधर से निकल गया, कभी उधर से निकल गया, कभी उधर से इसके जहाज निकल गए। तो ये जो छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रेट हैं, इन स्ट्रेट का इस्तेमाल चाइना करता है व्यापार के लिए। अब क्या हो अगर भारत यहाँ पर पहुँच जाए, एक तरफ से मलक्का स्ट्रेट, दूसरी तरफ से भारत अगर यहाँ पर हो और भारत का अपना एक कुछ बेस जैसा यहाँ पर हो, तो फिर चाइना को बहुत अच्छे से काउंटर किया जा सकता है। कोको का जवाब देने के लिए भारत के पास सबसे अच्छा रास्ता निकला, और ये सबसे अच्छा रास्ता कौन सा था? ये रास्ता था कोकोस का। यहाँ पे है कोकोस आइलैंड। ये आइलैंड किसका है तो आपको बता दें, ये आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया का। अब भारत ने यहाँ पर अचानक से अपने सर्विलांस विमान उतार दिए हैं, अपने C-130 उतार दिए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, अचानक से जब भारत ने यहाँ पर उतारे हैं तो कुछ तो मतलब होगा। ये जो द्वीप हैं, ये द्वीप बहुत नज़दीक है और भारत के 2 मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऑस्ट्रेलिया के इस रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण आइलैंड पे उतर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इमेज, जिस इमेज में ये दिख रहा है कि कोकोस आइलैंड पर भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलिया की सेना की मुलाकात हो रही है। इस आइलैंड को कहते हैं किलिंग आइलैंड भी। अब यहाँ पर अगर भारत डॉर्नियर विमान C-130 एयरक्राफ्ट के साथ उतरा है तो कुछ न कुछ तो वजह होगी। तो आपको बता दें, वजह साफ है, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सैन्य गठजोड़ हो रहे हैं। हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया से भी रिश्ते अपने खराब कर लिए हैं चाइना ने, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं। ऐसे में भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को बढ़ाते हुए इस आइलैंड पर कहा जा रहा है कि अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। अगर विषम परिस्थिति होती है, अगर जंग की नौबत हो जाती है, लड़ाई की नौबत हो जाती है, तो भारत के लिए ये पॉइंट सबसे ज़्यादा खास हो जाएगा। एक तरफ मलक्का स्ट्रेट से भारत चाइना को रोक देगा, उसकी ट्रांसपोर्ट को रोक देगा, जहाँ से चाइना का 80% तेल गुजरता है। तो बाकी इस इलाके से भी भारत चाइना को घुटनों पर ला देगा और यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता है चाइना को। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ से दक्षिण चीन सागर भी नज़दीक है, मतलब जो रणनीति चाइना अपना रहा था वही रणनीति अभी भारत अपना रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जो कर रहा है वो सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।